कनाडा के बाहर जिंदगी कैसी है, लाइक हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग मी इन इंडिया, हाउ थिंग्स हैव बीन, व्हाट एम आई डूइंग. तो ऐसा नहीं है. सभी बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार. आपके और हमारे अपने YouTube चैनल में दोबारा आपका स्वागत है. तो दोस्तों, बहुत कुछ बदला है पिछले आई गेस 2 साल बाद. आई एम डूइंग अ कमबैक ऑन YouTube. नॉट से कमबैक, मैं इतना फेमस भी नहीं था, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ आई एम स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अगेन. तो क्या हुआ, क्या किस लिए, why not? A lot of questions a lot of people have. And I went off the grid. Went off the grid का मतलब totally social media बंद, WhatsApp बंद. सबसे connection एक तरीके का जो था वो टूट गया, चाहे family हो, चाहे friends हो, चाहे well-wishers हो at the end of the day. मगर that bond actually just टूट गया. वो पता नहीं, वो बहुत मतलब मैं I'll not give blame to somebody onto it, but a lot of things changed personal life में, professional life में. तो बहुत कुछ बदला. तो that is the reason for that कि ऐसा कुछ हो गया. And technically अब हम वापस आ गए हैं आपके सवालों का, जिस मकसद से ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था वो सब कुछ. और पहले ही ब्लॉग में डिस्कस करेंगे भैया कनाडा के बाहर जिंदगी कैसी है, लाइक हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग मी इन इंडिया, हाउ थिंग्स हैव बीन, व्हाट एम आई डूइंग. तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. तो डिस्कस करते हैं. तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने फार्म पे, अपने खेत में. मैं अपने आजकल मैं एग्री टेक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ. तो अपने गाँव जा रहा हूँ मैं, और मेरा टेम्परेरी मेक शिफ्ट होम है आजकल वो, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे मैंने काफ़ी ध्यान दिया है इन 2 सालों में. बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट. तो राइड एंजॉय करिए, साथ साथ बीच में आपको बहुत सारी अलग अलग नई नई तरीके के वो दिखाएंगे कि भैया गाँव होता कैसे. बेसिकली बहुत लोगों ने देखा होगा, मगर कुछ हमारी तरफ से भी देख लो. तो राइड को एंजॉय करते हुए चलते हैं, और फिर थोड़ी बहुत बातें और करते हैं यार. और आज तो कोई मतलब एक कमबैक वीडियो कह लीजिए या एक कमबैक ब्लॉग कह लीजिए, ज़्यादा कुछ है भी नहीं कहने के लिए, ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए. रही बात ये कि भाई फ्यूचर की, तो फ्यूचर में डेफिनेटली प्लानिंग तो यही है, इनिशिएशन तो यही है कि और मल्टीपल न्यू ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं. और कंटेंट भी क्या यार, अपना तो वही है कि जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना. अब वो चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपीरियंस है जो आजकल कर रहे हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो चाहे एज अ बिजनेसमैन एक्सपीरियंस है, वो एज अ चाहे आप कह लीजिए एज अ मतलब एज अ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है और एज अ एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस है. तो अपना तो वही है कि अपने को तो वही समझ में आता है और वही शेयर करते हैं. बाकी तो फॉर द टाइम बीइंग सब कुछ ठीक है. Stay connected, enjoy the ride. I'll show you some wonderful crops in between, and let's drive now. बेहतरीन समय हो रहा है, सनसेट बड़ा प्यारा हो रहा है. ये अपने गांव की रोड पे अपन एंट्री लेने वाले हैं. भैया सुबह से हो गई है शाम, अपना पहुंचने वाले हैं. तो बीच में आपको दिखाते हैं कि भी क्या क्या सब्जियां हैं अभी के सीज़न में. तो इधर की साइड आप देखोगे तो ये है आपका कॉर्न, जिसको बोलते हैं मक्का. और ये दोनों साइड अभी सीज़न ही मक्का का है. और ये आपका है, ये है आपका जिसको बोलते हैं अपन अरबी. और ये आपको क्लोजअप से दिखाते हैं. इसका क्या है ना, इसके तो पत्ते की भी सब्जी बनती है, और अपना ये आलू की तरह होती है ज़मीन के नीचे. अभी तो इसको खुदाई में बहुत टाइम है. इधर अपना ये तैयार कर रहे हैं लोग नेक्स्ट सीज़न की बो.
बुवाई के लिए। अब जो सीजन आएगा वो आपका पैडी का आएगा, जिसको धान बोलते हैं, चावल बोलते हैं। अपने इधर हाइब्रिड होता नहीं है, अपने इधर बासमती होता है मोस्टली। तो भैया पहुंचने वाले हैं खेत पे, फार्म पे, तो अब सुबह ही चलेंगे कि अब तो रात में हमें भी कुछ नहीं पता चलेगा। अरे देखो ये क्या आ रहा है, अरे भैया देखो ये, अरे ये बकरी वाला अपने को बुला रहा है, कह रहा है आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे निकल के आओ। देखो झुंड फोकस है, वो कहता है साइड करो, बिल्कुल देख रहे हो। तो यही बनेगा, ट्रैफिक व्रैफिक कोई मतलब नहीं, लोगों को बस चलना है।